了。आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है, पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहा है सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई, रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? धूमधाम से जो एसटी लागू की थी, उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि RBI की जेब काट कर जो लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ही लिए, वे कहा है? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं। ऐसा हो गया कि जब मर्जी आए कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेशों का दर्जा बदल दो, जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो, बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान विकास दिवस तो मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते कि ये जो CAB कानून अभी लाए हैं, वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा, जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं और बाबा साहब अंबेडकर ने कठिन संघर्ष किया था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे भेदभाव वाले कदमों की इजाजत नहीं देता। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिनसे भी अन्याय होगा, कांग्रेस उन सभी के साथ खड़ी रहेगी।